सिवनी मॉल व होशंगाबाद में अनुभूति कैंप के दौरान बच्चों को वन और वन्य प्राणियों से अवगत कराया गया। वन्य विभाग द्वारा आयोजित किए अनुभूति कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने अवसरों के साथ जंगल में पहुंचकर पेड़ पौधों के बारे में समझा। वन अफसरों ने भी उन्हें जंगल की बारीकियों के बारे में बताया। बानापुरा रेंज के सोता केतली किला स्थल पर यह अनुभूति कैंप का आयोजित किया गया। स्थल पर वन्य पर्यावरण संबंधी विषयों पर निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान का भी आयोजन किया गया। इस इको अनुभूति कैंप कार्यक्रम में 120 स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। एसडीओ फॉरेस्ट शिव कुमार अवस्थी, वन परिक्षेत्र अधिकारी हरगोविंद मिश्रा और वन निरीक्षक मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ शासकीय विद्यालय सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों के साथ रहकर कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। वन विभाग के द्वारा आयोजित है, इसके बारे में बताइए किस प्रकार का अनुभूति कैंप है। ये अनुभूति कैंप वन विभाग आयोजित करता है हर साल। इसमें जो शासकीय स्कूल के बच्चे हैं उनको हम जंगल में लाते हैं, उनको जंगल के पर्यावरण से वातावरण से परिचित कराते हैं। यहाँ उनकी सारी सुविधाओं को रखते हुए लाएंगे तो उनको यहाँ पर हम जंगल में उनको भोजन कराएंगे, फिर उनको टीचर्स के साथ में लाएंगे, वो जंगल को देखें, समझें, जानें, जंगल का अनुभव करें, जंगल में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में उनकी जिज्ञासाओं का पूरे जवाब सुझाव देने के लिए मास्टर ट्रेनर को भी बुलाते हैं ताकि जंगल से उनका एक जुड़ाव पैदा हो। वो ये जाने कि हमारा जंगल हमारे लिए कितना उपयोगी है और इस उपयोगिता को ये जब एक अनुभव ले जाएं तो ये जीवन भर, क्योंकि ये जो उनको एक अनुभव मिलता है ये सामान्य रूप से नहीं मिल पाता, तो ये अनुभव उनके कई जगह काम आता है। और उनको जंगल के बारे में अगर कोई कुछ बात करता है, जंगल का नुकसान करने की प्रयास कोई करेगा, तो उनको याद आता है कि जंगल कितना उपयोगी है, इसको बचाया जाए, तो संरक्षण की दिशा में एक प्रयास है सरकार का। बच्चों का कैंप लगाया, इसमें क्या जानकारी दी गई? बच्चों को अनुभूति के लिए यहाँ बुलवाया गया था। अनुभूति का मतलब हुआ कि बच्चे वनों में घूमें, यहाँ आनंद लें और यहाँ पे अनुभव लें कि जंगलों में क्या फ़ायदा है, क्या बच्चों से फ़ायदा है। बल्कि हमने बच्चों से ही पूछा कि वनों के क्या लाभ है, हम तो बहुत कम चीज़ बताए हैं, बच्चों से ही पूछा और उनको जानकारी जो सप्लीमेंट किया उनको हमने कि आपको क्या क्या लाभ है, उनने बताया, हमने उनको आगे बढ़ाया। इस प्रकार के आयोजन से लगता है कि आगे, हाँ निश्चित ही, उनको बताया कि जो नालों में पानी, सामने नाला है उसमें नालों में पानी बहते हुए दिखा, उस बच्चों से हमने पूछा कि पानी कहाँ से आ रहा है, तो उनको फिर पूरी प्रक्रिया बताई गई कि यहाँ पे पानी जमीन में से निकल रहा है, तो यदि हम जंगल काट देंगे तो नालों में पानी नहीं आएगा, नालों में पानी नहीं आएगा तो नर्मदा जी में पानी नहीं पहुँचेगा। कौन सी क्लास में हो? आठवीं। यहाँ पर आपको यहाँ पर आने पर क्या क्या जानकारी मिली? पेड़ पौधों के बारे में और पेड़ पौधों के नाम बताए और हम जो बताए सर ने बताए और जंगल घूमने मजा भी आ गया। अच्छा ये बताओ यहाँ के जंगल में कौन कौन से पेड़ की प्रजातियाँ हैं? प्रजातियाँ हाँ। सागुन कम है हाँ। और लेंडिया ज्यादा है और घिरिया ज्यादा है हाँ। अचार 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 जो है ज्यादा हाँ। मेरा नाम प्रीति कटारे है। आप यहाँ पर आए, आपको क्या क्या जानकारी मिली यहाँ पर? हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ है, हमें यहाँ पर नए नए पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, इन सब के बारे में बहुत कुछ देखने को, सुनने को या जानने को मिला है।